उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद के कटघर पुलिस ने एक आरोपी को 50 किलोमीटर के साथ गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। आरोपी को जेल भेजने के कुछ ही समय बाद मॉब लिंचिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। वायरल वीडियो में गौरक्षा से जुड़े पदाधिकारियों द्वारा मीट ले जा रहे युवक की जमकर पिटाई की जा रही थी। मारपीट करने के बाद मीट लेकर जा रहे आरोपी को पुलिस को सौंप दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तारी करके आरोपी को जेल भेज दिया है। वीडियो वायरल होने के बाद सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने मारपीट करने वालों के खिलाफ अधिकारियों से बात करके कार्यवाही की मांग की है। मुरादाबाद के कटघर थाना इलाके की मॉब लिंचिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कुछ लोगों द्वारा एक युवक की पिटाई की जा रही है। वायरल वीडियो में दिखने वाला युवक शाकिर है, जो मुंडा पांडे इलाके के नलखेड़ा का रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक शाकिर अपने साथ 50 किलोमीटर लेकर जा रहा था, जिस पर गौरक्षा के संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने रोककर उससे पूछताछ की तो उसके द्वारा कोई भी दस्तावेज नहीं दिखाया गया। जबकि वायरल वीडियो में युवक बार बार कह रहा है इसके सारे पेपर उसके पास घर पर हैं, लेकिन गौरक्षा से जुड़े लोगों ने उसकी एक न सुनी और जमकर पिटाई करने के बाद उसे पुलिस के हवाले सौंप दिया। पुलिस ने आरोपी पर कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया। जेल भेजने के कुछ समय बाद मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो को लेकर जब गौरक्षा से जुड़े और मारपीट करने वाले मनोज ठाकुर से बात की तो उनका आरोप है यह हमेशा गौकशी करके मीट का काम करता है, इससे पहले भी इसे रोकने की कोशिश की थी तो ये इनसे बचकर भाग गया था। आज भी इसने हमला किया, जिसके बाद साथी सदस्यों ने पकड़ लिया और इसकी पिटाई कर दी। जबकि वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है मनोज चौधरी द्वारा शाकिर की पिटाई की जा रही है। वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं मॉब लिंचिंग की वीडियो जैसे ही सामने आई तो मुरादाबाद के समाजवादी पार्टी से सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस के आला अधिकारियों से मारपीट करने वाले मनोज ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सपा सांसद ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, जब से प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है तो इस तरीके से मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ गई हैं। अगर युवक मीट ले जा रहा था तो उसके लिए शासन प्रशासन है, कानून को अपने हाथ में लेकर किसी के साथ इस तरीके से मारपीट करना पूरी तरह गलत है। मारपीट करने वाले आरोपी के खिलाफ सांसद ने एसएसपी और एसपी सिटी से बात करके कार्यवाही की मांग की है। मैं सफर में था, मेरे संज्ञान में आया कि एक युवक को पकड़कर कुछ कथाकथित गौ रक्षकों ने मारपीट करने की कोशिश करी, मारा पीटा है और उसके वीडियो भी मेरे पास आए थे। मैंने तुरंत ही उसको देखने के बाद एसएसपी साहब से इस बात की शिकायत करी कि किसी को यह हक नहीं है कि किसी को सरेरा खड़े होकर मारना शुरू कर दे। एसपी सिटी साहब से भी कहा और उन्होंने कहा कि हम इसका संज्ञान लेके जो भी कानूनी कार्रवाई इसके खिलाफ बनती है वो हम करेंगे। पता ये चल रहा है कि वो मीट लेके आ रहा था और वो किसी फैक्ट्री से ला रहा था, उसके पास रसीद भी थी। उसको उसके मीट को ये बताया गया कि ये प्रतिबंधित पशु का मीट है, ये बहाना लेकर उसके साथ मारपीट की गई। जहाँ तक मेरे संज्ञान में अभी तक आया है कि मुझे भी ये पता चला है कि डॉक्टर ने भी उसको भैंस के गोश्त का ही बताया कि भैंस का गोश्त है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गाय की आड़ में ये नफ़रतों की सौदागरी कब तक? हमारी जब से उत्तर प्रदेश की सरकार आई है न जाने कितनी मॉब लिंचिंग हो चुकी हैं। ये तो ऊपर वाला करम हो गया कि ये लड़का बच गया, वरना आप लोगों के लिए और पूरे मीडिया के लिए बहुत बड़ी खबर बन जाती है, एक मुरादाबाद में मॉब लिंचिंग हो गई। तो इन बातों से इन गौ रक्षकों को बचना चाहिए और जो लोग गौ के गोश्त को बेच रहे हैं या काट रहे हैं हम उनके साथ नहीं खड़े हैं। कानून ने उसको मना किया है, जो भी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती हो वो प्रशासन करे, लेकिन अननेसेसरी एक टेंशन पैदा करना, अननेसेसरी एक स्टंट पैदा करना, अपने आप को सबसे बड़ा गौ रक्षक समझना, चाहे उसके पीछे कोई भी वजह क्यों ना हो,
या उसके अब आगे के परिणाम क्या हों, बगैर सोचे समझे ये सब काम करना, ये देश में और इस हमारे प्रदेश में सरकारें हैं, प्रशासन है, कानून है, जुडिशरी है, एक सिस्टम है। एनार्की नहीं है कि जिसका जी चाहा उसने पकड़ के उसको पीट दिया। तो मेरी प्रशासन से यही मांग है और मैंने उनसे कहा भी है। बीती रात्रि में एक वीडियो प्राप्त हुआ जिसमें एक व्यक्ति के साथ जो कि मांस विक्रेता थे उनके साथ मारपीट की जा रही है। तत्काल प्रभाव से संज्ञान लिया गया और जो शिकायत प्राप्त हुई उसके आधार पर गंभीर धाराओं में थाना कटघर में मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है। इसमें लगभग 5 से 6 अक्यूज्ड हैं, सभी के विरुद्ध लगातार टीम सक्रिय है, दबिश दे रही है, शीघ्र ही इन सभी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए आप हमारे साथ Time24 न्यूज पर। नमस्कार, आदाब, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।